हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। सलमान खान के लिए साल 2018 कुछ खास नहीं रहा। इस साल ईद के मौके पर रिलीज हुई सलमान खान की रेस 3 का बॉक्स ऑफिस पर तो बुरा हाल रहा ही, साथ ही इस बार उनके टीवी शोज 10 का दम और बिग बॉस 12 भी जनता को लुभाने में नाकामयाब ही रहे। वहीं भाईजान साल 2019 और 2020 में फैंस के लिए एक से बढ़कर एक फिल्म लेकर आ रहे हैं। तो चलिए इंतजार किस बात का, दिखाते हैं आपको सलमान की आने वाली फिल्मों की लिस्ट। नंबर 1 भारत। डायरेक्टर अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बन रही भाईजान की भारत अगले साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। इस फिल्म से हर किसी को बहुत सारी उम्मीदें हैं। फिल्म में सलमान कैटरीना कैफ के साथ रोमांस करते नजर आएंगे। साथ ही इस फिल्म में इन दोनों के अलावा दिशा पाटनी, तब्बू और सुनील ग्रोवर जैसे स्टार्स भी इम्पोर्टेंट रोल में हैं। बता दें कि सलमान की अली के साथ ये तीसरी फिल्म है। इससे पहले वो अली के साथ सुल्तान, टाइगर जिंदा है जैसी दो बड़ी ब्लॉकबस्टर्स दे चुके हैं। नंबर 2 दबंग 3। अरबाज खान के बैनर तले बनने जा रही दबंग 3 के लिए भाईजान ने खास प्लानिंग की है। बताया जा रहा है कि उन्होंने मेकर्स से फिल्म का बजट 40% बढ़ाने को कहा है ताकि इसके एक्शन को हॉलीवुड लेवल का बनाया जा सके। फिल्म में सलमान के साथ एक बार फिर से सोनाक्षी सिन्हा नजर आएंगी। प्रभु देवा के डायरेक्शन में बनने जा रही ये फिल्म अगले साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। नंबर 3 किक 2। सलमान खान की किक 2 को लेकर साजिद नाडियावाला ने कुछ दिनों पहले ही ऐलान किया था। किक के साथ साजिद ने डायरेक्शन में एंट्री की है और किक 2 के साथ वो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बताया जा रहा है कि फिलहाल साजिद किक 2 की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। जैसी फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम पूरा हो जाएगा, भाईजान किक 2 की शूटिंग शुरू कर देंगे। खबरों की माने तो इस फिल्म में सलमान के साथ जैकलिन भी नजर आ सकती है। नंबर 4 इंशाअल्लाह। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ फिर से हाथ मिलाने जा रहे हैं। सलमान की इंशाअल्लाह में शाहरुख खान भी दिखाई दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि भंसाली अभी फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे हैं और ये फिल्म साल 2020 की ईद पर रिलीज हो सकती है। नंबर 5 शेर खान। ओहिल खान ने इस फिल्म का ऐलान काफी समय पहले किया था और बताया था कि इसमें सलमान खान एकदम वैसे ही दिखाई देंगे जैसे उनके फैंस उन्हें देखना चाहते हैं। अभी फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है और जल्द ही इसको लेकर ऑफिशियली अनाउंसमेंट होने वाली है। वहीं इनके अलावा सलमान खान रमेश तुरानी की रेस 4 और एमा डिसूजा की डांस फिल्म भी करने वाले हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि भाईजान के पास 2019 और 2020 में पूरी 7 फिल्में हैं जिनसे वो बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने वाले हैं। वैसे आप सलमान की किस फिल्म को लेकर ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।